उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? चलो आज एक मेकअप लुक करते हैं। आज सबसे पहले मैंने ग्रे लेंसेज डाले क्योंकि मेरी ग्रे साड़ी थी। लेंसेज मैंने लेंस कार्ट से बाय किए हैं सब, और शुगर पॉप की यहाँ पे मैंने नेल पेंट ग्रे कलर में अप्लाई कर लिया है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे प्रोडक्ट्स को ना मैंने नायका से बाय किया है। राइट नाउ ना नायका के ऊपर पिंक लव सेल चल रही है, 60% तक आपको ऑफ मिल जाएगा और आज सेल का लास्ट डे है। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी तरफ से कुछ आप लोगों के लिए ना प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी हैं। ये जितने भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ या स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने आज के वीडियो में यूज़ किए हैं, ये सारे इट्स लाइक बहुत बार मैं इनको यूज़ कर चुकी हूँ, आप लोगों को रिकमेंड कर चुकी हूँ, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है, आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है जी, चलो फटाफट से आपने देखा मैंने यहाँ पे अपनी स्किन केयर कर ली। और अगर आपको अच्छा सा ग्लो चाहिए ना तो मामर्थ की जो मैंने आपको ल्यूमी क्रीम दिखाई ना आप उसको ज़रूर ट्राई करना। डर्माको का फाउंडेशन लगा लिया एंड ये स्विस ब्यूटी का ब्लश तो यार आई लव इट, इतनी ब्यूटीफुली ब्लेंड करता है ना यार, पता ही नहीं लगता और इतना नेचुरल कलर आता है, बिल्कुल भी हार्श लाइंस या वैसा नहीं नज़र आता और सुंदर से ग्लो भी ऐड हो जाता है। बहुत ब्यूटीफुल ब्लश है, इसमें और भी शेड्स हैं तो अगर स्टॉक में होगा तो आप इसको तो यार ज़रूर ले लेना। फिर उसके बाद गाइस बेस को सेट कर लिया है एंड फिर मैंने यहाँ पे मिस क्लेयर की आईब्रो पैलेट ले ली है जिसके साथ अपने ब्राउज को मैं फिल कर लूँगी एंड थोड़ा सा स्पूली के साथ उसको कॉम कर लूंगी। यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड की ब्लश पैलेट ले ली, ब्लश ले लिया छोटा सा, उसके साथ अपने पूरे क्रीज के ऊपर एक बिल्डअप कर लूंगी पूरे और पूरी लिड के ऊपर अप्लाई कर लूंगी। NYB की पैलेट है, इसमें से मुझे सिर्फ एक ये ग्रे शेड चाहिए था जो एग्जैक्ट मैच कर रहा था मेरी साड़ी के साथ, तो इसको हल्का हल्का सा हम लगा लेंगे क्योंकि ना थोड़ा बहुत ना फॉल आउट होता है तो बहुत ध्यान से आप करना। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आईलाइनर ले लिया जिसको मैं ऑफ कैमरा लगाऊंगी क्योंकि आई नो ऑन कैमरा तो मैं मैस कर दूंगी। ऑफ कैमरा बहुत कोई मैंने अच्छा नहीं लगाया था बट ओके, हम काम चला सकते हैं इसके साथ। फिर गाइस मैंने यहाँ पे मामर्स का काजल ले लिया जिसको मैंने अपनी अपर वाटर लाइन लोअर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर लिया। जो मैंने ब्राउ कलर है ना मेरा आईब्रो कलर जो मैंने किया उसी के साथ हम अपनी लोअर वाटर लाइन को स्मज कर लेंगे। थोड़ा सा जो ब्लश लिया था पहले उसी के साथ हम अपनी लोअर वाटर लाइन को स्मज कर लेंगे ताकि एकदम हार्श सा काजल सा नजर आए, स्मज्ड लुक नजर आनी चाहिए। शुगर का यहाँ पे मैंने कॉन्टोर ले लिया जिसके साथ मैं अपने पूरे फेस की कॉन्टोरिंग करूंगी ताकि थोड़ा सा फेस हमारा पतला नजर आए, चिजल नजर आए, थोड़े से फेस को डायमेंशन नजर आए, नहीं तो पूरा वाइट वाइट सा नजर आता है। ब्लश अप्लाई कर लूंगी सेम वेट एंड वाइल्ड का ब्रश एंड ब्लश और फॉरएवर 52 का यहाँ पे हाईलाइटर ले लूंगी। अच्छी तरह से मैं इसको अप्लाई कर लूंगी अपने जो भी यू नो जैसे क्यूपिड बो हो गया, ब्रिज ऑफ द नोज हो गया एंड अच्छी तरह से हाईलाइटर लगाने के बाद आईज के कॉर्नर में भी अप्लाई करूंगी एंड ब्राउ बोन पे भी अप्लाई करूंगी। आपने थोड़ा सा फ्लफी ब्रश लेके ना जब आप हाईलाइटर लगाओगे ना तो वो बहुत सुंदर तरीके से ब्लेंड होता है आईज के कॉर्नर। देखा कितना सुंदर ब्लेंडेड सा लुक आया। क्लाइलिस की यहाँ पे मैं आईलैशेस यूज करूंगी एंड ग्लू यूज करूंगी, तो थोड़ा सा ना पहले कट कर लिया कर जो कॉर्नर होता है ना लैशेज का, नहीं तो वो बहुत ज्यादा आईज के कॉर्नर में ना चुभ रहा होता है, चुभता है। तो ये लैशेस हमने ऑफ कैमरा लगा ली और स्विस ब्यूटी का यहाँ पे लिप लाइनर लूंगी। यहाँ पे ना जस्ट आउटलाइन करूंगी, मुझे ये अपने लिप लाइनर को ज्यादा दिखाना नहीं था इसलिए मैंने बहुत डार्क कलर नहीं यूज किया, न्यूड कलर यूज किया। मिलानी की अमोर मैट लिपस्टिक है शेड नंबर 9, इसको मैं अपने पूरे लिप्स के ऊपर अप्लाई कर लूंगी। मैट लिपस्टिक है बाय द वे, मेकअप हमने अपना कर लिया है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही मेकअप चाहिए था, ग्रे आईज चाहिए थी क्योंकि मेरी साड़ी ग्रे है। चलो अब गेट रेडी विथ मी शूट करते हैं, ये इंस्टाग्राम की रील है। सबसे पहले तो ये ब्लैक टी शर्ट है जिसको मैंने एज अ ब्लाउज वेयर किया है, ये मीशो की टी शर्ट है, साथ में नीचे मैंने अपनी साड़ी शेपर डाल लिया है जिवामे का। ये ग्रे कलर की साड़ी है मीशो की, 2 साल पुरानी साड़ी है बेचारी, अलमारी में पड़ी थी, मैंने सोचा चलो आज इसके साथ एक लुक क्रिएट करते हैं। एले की यहाँ पे मैंने अपनी हील्स डाल ली है, गोल्ड की रिंग्स है ये दोनों ही फ्रॉम ब्लू स्टोन, एक स्मार्ट वॉच एड कर ली, ये जो ज्वेलरी पीस है ये भी मीशो से ही है, एक मैंने क्लच ऐड कर लिया है इसके साथ ब्लैक कलर में। कैसा लगा आपको पूरा लुक? ये बिल्कुल विंटर वेडिंग वाला लुक लग रहा है ना, मैंने सोचा यार अब सर्दियां जा रही है ना तो जाते जाते जो 2-3 मेरे विंटर्स वाले लुक पेंडिंग थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे कि मैं साड़ी के साथ ना कुछ ऐसे टी शर्ट को पेयर अप करके कुछ ऐसा लुक क्रिएट करूंगी तो वो कर लूं,
उससे पहले तो फिर गर्मियां आ जाएंगी। चलो कैसा लगा आपका इस आपको लुक आप बताना मुझे जरूर, एंड सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नायका के ऊपर आज सेल का लास्ट डे है, नायका पिंक लव सेल, 60% तक आपको ऑफ मिल जाएगा। आप इस सेल का बेनिफिट जरूर उठाना, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड वाले हैं, जरूर ट्राई करना। मुझे बताओ जरा आपको ये लुक कैसा लगा। अच्छा ये वाली जो साड़ी है ना, पर्टिकुलर ये वाली साड़ी है आउट ऑफ स्टॉक है, बट यार आप कोई भी ग्रे कलर की साड़ी सिंपल वाली आप डाल लेना इसके साथ, एंड बाय द वे आप कोई और कलर की भी साड़ी डालोगे ना सिर्फ ब्लैक टी शर्ट के साथ तो अच्छी लगेगी। बाय, आई लव यू। कैसी है ये साड़ी बताना, डार्लिंग फिदा है ये दीवाना। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर।